इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं पहले अपने बारे में अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो मुझे नहीं जानते। मैं बहुत छोटा सा शख्स हूँ, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम अजय पिल्ले है और मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं केरला से हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं जबलपुर में, क्योंकि मम्मी पापा मेरे जबलपुर में ही कार्यरत थे और नौकरी के साथ साथ, मतलब नौकरी करते करते उन्होंने हमारी परवरिश करी और वहीं पर हमको पढ़ाया। मेरी पढ़ाई, मेरे और मेरे बड़े भाई की, हम दो ही लोग हैं, मेरे और बड़े बड़े भाई की पढ़ाई जो है वो सेंट एलोशियस स्कूल जबलपुर में हुई, जो हमारे शहर का सबसे अच्छा स्कूल है, होता भी था और है भी आज। तो मुझे गर्व महसूस होता है कि गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझे, हमारे पेरेंट्स ने मुझे, हमें सबसे अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया और हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छे स्कूल में डाला। दोस्तों वहां से बताता हूँ बीज कहाँ से आई। वो स्कूल में हमारे जितने भी लोग थे उस स्कूल के अंदर, वो स्कूल क्योंकि प्रख्यात था तो बहुत सारे बच्चे वहां पर जो थे वो अपर मिडिल क्लास और रिच लोग हुआ करते थे, और उनके साथ ही मेरा उठना बैठना भी होता था, उनके साथ ही मेरा रहना होता था। और धीरे 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 लाइफ को देखने लगे कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल भी है, लाइफ के अंदर मजा भी है। तो जब उनके साथ रहते थे तो मजा होता था, जब घर आ जाते थे तो कपड़ेल वाला घर होता था, और उस घर में रहने के बाद, वो कॉम्प्रोमाइज के बाद, थोड़ा सा हमें लगता था कि नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और जिंदगी भी देखिए कैसे कहाँ कहाँ ले जाती है। छोटी सी उम्र में, 17-18 साल की उम्र में फौज की नौकरी मिल गई, और फौज की नौकरी के साथ साथ अब हमको अपने शहर को छोड़ के आना पड़ा। ये दर्द जो है, ये दर्द मैंने कई बार बयां किया है, ये दर्द मेरा ही नहीं है दोस्तों, ये दर्द बहुत सारे उन नौजवानों का है। एक तरफ खुशी होती है कि हमको नौकरी मिल गई, और एक तरफ दुख होता है कि अब हम अपने घर पे नहीं रह पाएंगे, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने घर वालों को छोड़ के, जहां से हम बचपन में खेले थे, कूदे थे, उस आंगन में, उन दोस्तों के बीच में, उस मोहल्ले में, वो चाची, वो चाचा, वो ताऊ, वो भाभी, वो भैया, उन सबको छोड़ के हमें अब एक नई दुनिया में जाना है। और इसी तरह से मैं भी एयरफोर्स में चला गया, और मेरे जैसे इत्तेफाक रखते होंगे बहुत सारे मेरे मित्र लोग, जो लोग आज इस स्थिति को झेल रहे, मतलब फेस कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के। मिठाइयां बढ़ी, बहुत खुशियां हुई, नौकरी छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी, वो भी एयरफोर्स की नौकरी, एक बहुत शानदार नौकरी। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जिंदगी में ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी, और जिंदगी में कभी किसी को कमी होती भी नहीं है, जिंदगी चलती रहती है, लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। नौकरी के साथ साथ में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि जो जिंदगी में चाहता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो जिंदगी शायद यहां से मिलती नहीं है। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कभी हम लोग नौकरी पे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे होते। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपने माँ बाप के लिए जी रहे होते हैं, और उसके बाद शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए जी रहे होते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद ताउम्र अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हैं। तो ख्वाहिशें अपने लिए नहीं होती है, ख्वाहिशें हमेशा लोगों के लिए होती है। जब शादी नहीं होती थी तो माँ बाप के लिए, उनके कदमों में सारी खुशियां लेके डाल दो, ऐसे ऐसे विचार आते थे। लेकिन वो छोटी सी पूंजी, छोटी सी नौकरी, छोटी सी सैलरी, उस सैलरी के अंदर अपनी जिंदगी को चलाना शायद आसान नहीं था। और धीरे 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 हम लोग इतने आदि हो जाते हैं अपनी जिंदगी के साथ कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यू टर्न लेना, उस नौकरी को छोड़ के कुछ और नया सोचना, नया पूंजी लगा के कोई बिजनेस चालू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर धीरे 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 हम कोसने लगते हैं अपनी लकीरों को, अपनी किस्मत को, राहु केतु को अंगूठियां पहनने लगते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। मैंने बड़े विस्तार से सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, कि 2001 से पहले अजय पिल्ले क्या था और 2001 के बाद अजय पिल्ले क्या हो गया। मुझे नहीं लगा कि कोई चेंजेस आए, अगर चेंजेस आए तो कहां पर आए, इस पे मैं आज बात करना चाहूंगा। क्योंकि बात हम यहीं स्टार्ट करेंगे कि अगर जिंदगी बदलनी है तो क्या बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे नौजवान, किसान, मेरे भाई लोग और बहुत सारे लोग यहां पर देख रहे हैं यहां बैठ के, कि आज हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा। बहुत सारे एसोसिएट जिन्होंने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैं समझता हूं कि वो ज्वाइन नहीं किया है, वो सिर्फ उन्होंने एक एंट्री डाली हुई है और उनके पास एक नेम टैग है या उनके पास एक आई कार्ड है जिसमें वो अपने आप को सेफ शॉप होल्डर समझते हैं या सेफ शॉप एक सिपाही समझते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। तो जब मैं नौकरी के बाद, जब नौकरी करते हुए जब मैं यहाँ पर सेफ शॉप में आया, तो ऐसा कौन सा जादू चल गया, वो जादू क्या था जिसकी वजह से एक साधारण सा अजय पिल्ले, एक अजय पिल्ले क्राउन में बदल गया, वो 4,000 लेने वाला अजय पिल्ले आज 15 लाख से 20 लाख रुपए महीने पे आ गया। ऐसी क्या बात, ऐसा कौन सा स्टडी कर लिया, ऐसी कौन सी डिग्री ले ली, नहीं डिग्री नहीं थी। तो हमने जानने की कोशिश करी कि ऐसी क्या बात थी। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं मेरे जो दोस्त लोग होते थे वो अच्छे सुपर रिच लोग होते थे, सुपर रिच भी थे, अपर क्लास के भी थे और मिडिल क्लास के भी थे, मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के भी थे, इसी तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन मैं उनके बीच में रह के जब उनकी बातें सुनता था, जब उनके बीच में रहता था, तो कहीं ना कहीं एक बात लगती थी कि पैसा कमाना आसान है। और ये मेरा ही नहीं, ये हर किसी का उस दौर जो होता है, वो छोटा सा दौर होता है जब हम 18-19 साल टीन एज में होते हैं, तब वो दौर रहता है जहां पर हमें लगता है कि पैसा कमाना बड़ा आसान है। लेकिन नौकरी लगने के बाद में जब हम चंद हजार के हो गए और जब चंद हजार लोगों के बीच में रहने लगे, उन्हीं के साथ उठना, उन्हीं के साथ बैठना और उन्हीं की बातें सुनना, धीरे 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 जब जिंदगी से रूबरू हुए तो लगने लगा नहीं, पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाना अगर आसान होता तो शायद हर कोई रईस होता। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे ये ख्याल हर किसी के है, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे होंगे या जितने भी लोग आज बाद में सुनेंगे या जिनसे भी आप मिलेंगे, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो ये बात बोलेंगे कि जिन लोगों की आज जिंदगी में तरक्की हुई है उसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, सरासर बताना चाहूंगा, किस्मत तो जरूर हो सकती है लेकिन किस्मत भी उसी की बनती है जो ठान लेता है जिंदगी में कुछ करने के लिए। ये ठानना कैसा होता है? ठानना तब होता है जब विश्वास होता है कि हम कुछ कर पाएंगे। अरे हमने आज तक अपने आप को जिंदगी में अपने आप को हमने लोगों के निगाहों से अपने आप को देखा। 2001 से पहले तक अजय पिल्ले क्या था, लोग बताते हैं कि अजय तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम 4000 के आदमी हो, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुम तो 12वीं पास हो, तुम तो ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट कुछ होता नहीं है। तो लोगों के निगाहों से जब तक हम अपने आप को देखते रहेंगे हम अपने आप को बहुत कम आंकेंगे, और जब तक हम अपनी कीमत बाजार में नहीं लगाएंगे बाजार हमारी कीमत लगाएगा नहीं। तो 2001 से पहले हमारी कीमत 4000 की थी, हम जानते थे हमारी कीमत 4000 की है, हमको 4000 से ज्यादा कोई दे नहीं सकता और हम अपनी जिंदगी को वैसे जी रहे थे। 2001 के बाद जब सेफ शॉप में आए और सेफ शॉप में जब आने के बाद अपने मेंटर्स से मिले, अपने लोगों से मिले, अपने कोच से मिले, वहां बैठे, वहां पर जानने की कोशिश करी कि तो हम है क्या और लोग अपनी जिंदगी को बदलते कैसे हैं, तो मालूम चला कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले यहां बदलना पड़ता है, सबसे पहले अपने चश्मे को निकाल के पोंछना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो चश्मा हमने लगाया है, जैसे हम संसार को देख रहे हैं, ये संसार वैसा है या नहीं, संसार वैसा नहीं है जैसे हम देख रहे हैं, हमको दिखाया गया है इसलिए हम देख रहे हैं। हमने अपने आप को जब आईने में देखा तो हमने अपने आप को आईने में सिर्फ 4000 का देखा, जिस दिन हम अपने आईने में अपने आप को 40000 का देखेंगे तो जमाना हमको 40000 देगा, जिस दिन हम अपने आईने में 4 लाख का देखेंगे तो जमाना हमको 4 लाख देगा, जिस दिन हम आईने में अपने आप को 40 लाख का देखेंगे उस दिन हमको 40 लाख देगा। मतलब यह है कि हम अपने आप को आईने में देखते क्या है। मेरा सवाल आप लोगों से है, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं? अरे आप जिस जो आप अपने आप को समझते हैं आप ऐसा है नहीं, ये मेरी बात को आप मानिए, आपने अपने आप को पहचाना नहीं है। हम लोग कितने अच्छे से डिग्री और सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को, अरे उसके बारे में पूछ रहे हैं, शर्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, वर्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, राहुल के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे से अच्छा कोई जानता नहीं है उसको। अरे हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं कि हम किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं, पहले अपने आप को तो जान लो कि आप कौन है। मैं आपको बताता हूं, लोगों ने अपनी पूरी उम्र लगा दी है दूसरों को जानने में, और मैं समझता हूं कि आज अगर 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अपने आप को जानने के लिए लगा दो कि आप कौन हो, आप आईने के सामने बैठ के पूछ के तो देखो आपने कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको तरक्की मिले, आपने ऐसा कौन सा सोच रखा है, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, आपने ऐसी कौन सी मेहनत करी जिससे आपको तरक्की मिले, और अगर आपका आंसर संतुष्ट है तब तो फिर मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं जब अपने बूट कैंप्स करता था, जब मैं लोगों से बात करता था, तो मुझे 100 में से 99 लोग ऐसे मिलते थे जो बोलते थे कि सर हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं कि अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। जब हम जिंदगी में सोचेंगे ही नहीं कि अपने आप को बदल पाएंगे तो सोचेंगे तो बदलेंगे कैसे। मैं अपनी छोटी सी बात से आप इस बात को और आगे बढ़ाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारे को ऊपर वाले परमात्मा ने कभी भी किसी को भी गलत नहीं किया, किसी के साथ भी गलत नहीं किया। परमात्मा की जो चीजें बनाई हुई चीजें हैं वहां पर आप 0.0001% भी आप उसमें से खोट नहीं निकाल सकते। आम के पेड़ में कभी जामुन नहीं हुआ, दशहरी पेड़ का अगर आम है तो उसमें कभी लंगड़ा आम नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, छोटी से छोटी गलती उन्होंने नहीं करी, उन्होंने जो भी चीज बनाई परफेक्ट बनाई और जिंदगी में कभी उसको फिर बदला नहीं। एक बार बना के जो भेज दिया वो भेज दिया उन्होंने। जब भी कोई चीज बनाई परमात्मा ने, जब भी कोई चीज बनाई तो टाइम पास के लिए नहीं बनाई, जो भी चीज बनाई उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, कोई ना कोई रीजन था। कुछ रीजन हमें मालूम है, कुछ रीजन हमें नहीं मालूम है। जो रीजन हमें मालूम है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का, और जो रीजन हमें नहीं मालूम है उसको हम कोसते हैं। हम जब फल को देखते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं, जब हम पानी को देखते हैं तो धन्यवाद करते हैं कि अगर ये पानी नहीं होता तो मेरा कंठ सूख जाता, जब हम हवा को देखते हैं तो धन्यवाद करते हैं कि हवा नहीं होती तो हमारे प्राण उड़ जाते हैं,
लेकिन जब हम मच्छर को देखते हैं तो हम धन्यवाद नहीं करते, हमें नहीं मालूम मच्छर क्यों बना। हम केचुए को देखते तो हम धन्यवाद नहीं करते, हमें नहीं मालूम केचुआ क्यों बना। लेकिन अगर आप अगर फार्मर से पूछो तो केचुआ इसलिए बना है कि अगर केचुआ ना हो तो फर्टिलाइजर जो है, जो जो जमीन है वो उपजाऊ ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर ऊपर वाले ने अगर किसी भी चीज को बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ऊपर वाले ने हमें बनाया है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। वो टाइम पास के लिए नहीं बनाया, हमको सिर्फ इसलिए बना के नहीं भेज दिया कि जाओ और बच्चे पैदा करो और पढ़े पढ़ाओ लिखाओ उनकी शादी कराओ और फिर चले आओ कब्रिस्तान के अंदर और आके नीचे बैठ जाओ या फिर शमशान घाट में जाके जल जाओ, उसके बाद में आखिरी आखिरी के सीनों में ये बोलो कि अब प्रभु मेरी जिंदगी तो निकल गई, कैसे तैसे निकल गई, बच्चे मेरे देख लेंगे तो देख लेंगे। वक्त है सोचने का, प्रभु ने हमें बनाया है एज ए लीडर। उन्होंने अपने बगीचे में, उन्होंने अपने ये जहां को, इस जहां को बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए हमें भेजा है यहां पर और बोला है कि जाइए मैं आपको जो चीज देता हूं देता हूं, आप यहां से जितना चीज जो चीज लेना चाहें आप ले सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने हर चीज जो दी हर किसी को बराबर की दी। अगर आंख दी तो बराबर की दी, जैसे आप देखते हैं वैसे मैं देखता हूं, अफ्रीका में भी वैसे देखते हैं, अमेरिका में भी वैसे देखते हैं, कोई लेडीज भी वैसे देखेगी, कोई जेंट्स भी वैसे देखेगा। मतलब हरे को हरा, हरी चीज हरी दिखती है और लाल चीज लाल दिखती है, मतलब आंखों में एक छोटा सा भी फर्क नहीं आता है, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आता है जब आंख के फंक्शन की बात होती है। कानों में वही आवाज सबको जाती है, वही आवाज सबको जाती है जो आवाज मुझे और आपको जाती है। अमिताभ बच्चन की आवाज यहां पर भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती है, मतलब डिफरेंस नहीं है। गुलाब की खुशबू आपको भी और मेरे को भी सेम आती है, आंख का फंक्शन सेम, कान का फंक्शन सेम, नाक का फंक्शन सेम, गुलाब जामुन का टेस्ट आपको भी और मेरे को भी सेम आता है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आता। आप सोच के देखिए अगर सारे फंक्शन सेम है, अगर ऊपर वाले की फैक्ट्री से बनाई हुई चीज पे सारे फंक्शन अगर सेम है तो फिर ये फंक्शन अलग कैसे। तो लोग बोलते हैं क्योंकि ग्रेड ऐसा मिला ना, क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव में ग्रेड ऐसा मिल गया हमें, तो वहां पर हमको परसेंटेज मिल गया, वहां पर हमें परसेंटेज लिख के बता दिया गया कि आप बुद्धिमान है, आप फर्स्ट ग्रेड के, आप सेकंड ग्रेड के, आपका 50% है, आपका 60% है, आप 90% है। अरे पैसे कमाने के लिए 60% और 90% नहीं चाहिए, तरक्की करने के लिए 60% और 90% नहीं चाहिए, तरक्की करने के लिए जुनून चाहिए, तरक्की करने के लिए दिमाग के अंदर कोई प्लान चाहिए। इनपुट जैसा होगा आउटपुट वैसा होगा, मैंने कई सारी ट्रेनिंग में बात करी है। गुलाब जामुन डालेंगे तो मीठा होगा और मिर्ची डालेंगे तो तीखा होगा, साइकिल डालेंगे तो साइकिल निकलेगा, ऑडी डालेंगे तो ऑडी निकलेगा। हमने क्या डाला है, सवाल तो ये होता है हमने क्या डाला है। कई बार मैंने लोगों से बोला कि आप और मेरे में डिफरेंस क्या है, आपने जितना मांगा आपको मिल रहा है, मैंने जितना मांगा मेरे को मिल रहा है, तो जिंदगी से मांगा कम, हमने जिंदगी से मांगा कम इसलिए जिंदगी ने दिया कम। अब ये बात को देखना पड़ेगा हमको कि हमने मांगा क्या है। अब आप सोच के देखिए, जब आप आज ये वेबिनार खत्म हो जाए, इस ट्रेनिंग खत्म हो जाए, इसके बाद आप खुद पूछ के देखिएगा मैंने जिंदगी से मांगा कम क्यों, क्या मेरे में वो काबिलियत नहीं है। अरे काबिलियत तो सब में है, काबिलियत सब में है, हमने सोचा ही नहीं, हमने अपने आप को कम आंका है। समझना पड़ेगा इस बात को। 2001 में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो काबिलियत वैसी ही थी जैसे आज है, बस समझना था मुझे कि मैं कुछ कर सकता हूं। और जब आप शेरों के साथ रहते हो, जब आप ऐसे दिलेरों के साथ रहते हो और उसके बाद वो कंधे पे हाथ डाल के बोलते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, विश्वास हो जाता है। जैसे माँ बोलती थी तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे ही हमारा लीडर बोलता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और अगर आपको अपने अपलाइन पर, अपने लीडर पर विश्वास है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और उस माहौल के अंदर जब हम बन जाते हैं तब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताता हूं, ये प्लान देखने के बाद, जैसे ही मैंने प्लान देखा, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि जिंदगी मेरी अटकी हुई थी। कुछ ऐसे बात थी जहां मुझे पैसे और तरक्की चाहिए था, मुझे अपना नाम चाहिए था। 4,000 की नौकरी में ना पैसा मिल रहा था ना नाम मिल रहा था। तब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा। बिजनेस प्लान देखते ही मैं आपको बताता हूं, लोग बिजनेस प्लान देख के भागते हैं। देखिए, जो हंगरी होगा, जो भूखा होगा, जिसकी जिंदगी में पैसों से रिलेटेड कोई चीज होगी, जो रुचि हुई है, तब मुझे प्लान उसे बहुत अच्छा लगेगा। जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, कि हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चीज है जो आपको चाहिए, तो गिना था मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मुझे नहीं, एक चीज बताइए जो चाहिए, जिसके बिना आपका आपका जिंदगी चलेगा नहीं। और ऐसी कुछ चीज ऐसी थी कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी थी जिसके बिना मेरी जिंदगी चलती नहीं थी, और पैसे से ही वो हो सकता था, पैसों के बिना नहीं हो सकता था। और जब वो प्लान मैंने देखा तो उसी को दिमाग में रख के देखा कि ये प्लान देखते 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 आखिरी में जैसे ही प्लान खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैंने बोला बिजनेस तो मैं करूंगा। और जैसे संजय सर बोलते हैं कि कटो सर बोलते हैं कि प्लान देखते ही मुझे बुखार आ गया था, मैं सच बताता हूं मुझे भी बुखार आ गया। जब जब किसी जिंदगी में जब किसी को तरक्की करनी होती है, जब वो भूखा होता तरक्की का,
तब ऐसे प्लान को देख के वो लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। इस प्लान को देख के मैं दीवाना हो गया। और जानते हो ये एक बीमारी है, जब आप प्लान को देख के दीवाने हो जाते हो ना, तब आप एक्साइटेड मोड में पता नहीं क्या कर जाते हो, क्योंकि आप होश में नहीं रहते, आप होश आवाज को देते हो। तो आप लोगों से जाके बात करते हो, इधर बात करते हो, उधर बात करते हो, और हर किसी से बात करते हो, आपको लगता है कि न जाने क्या मिल गया, अलादीन का चिराग मिल गया और घिस के इसको हम कर देंगे। और ऐसे मेरे साथ में हुआ, मैंने लोगों से बोलना चालू किया, मैं जहां जाऊं वहां जाऊं, वहां यहां वहां, जहां देखूं मैं वहां पर मैंने अपना प्लान चालू कर दिया, जितना मेरे को बनता था बोलना चालू कर दिया। और ऐसे ही एक शर्मा जी थे जहां पे मैं रहता था, हम एयरफोर्स में रहते थे और शादी नहीं हुई थी, तो जो लोग एयरफोर्स जानते हैं हमारे यहाँ पर केबिन्स होते हैं, वहां पर दो दो लोग एक एक केबिन में रहते, तो शर्मा जी मेरे बगल वाले बेड में थे। और हाव भाव तो ऐसे ही होता है, जब प्लान देख लेते, नया नया प्लान देख लेते, तो हाव भाव कहता चेहरा अलग होता है ना, चाल बदल जाती है, आंखों में चमक होती है और पूरा मोटिवेशन रहता है। तो मुझे देख के शर्मा जी, अच्छा मुझे बोला गया था कि प्लान मत दिखाना अभी, क्योंकि आप प्लान दिखा नहीं सकते हो। एनीवे किसी तरह से शर्मा जी ने मुझे पिन मारा कैसे तैसे करके, मैं एक दिन अपने आप को रोका रहा, दो दिन अपने आप को रोका रहा, क्योंकि पैसे नहीं थे और प्रोविडेंट फंड से मुझे पैसे निकालने थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। दो दिन अपने आप को रोका, लेकिन रुका नहीं गया मेरे से। तीसरे दिन मैंने उनको प्लान दिखाई दिया, और जानते हो शर्मा जी ने क्या बोला? शर्मा जी ने वही बोला जो सब लोग बोलते हैं एक दूसरे के साथ। बोला अजय, बोले अच्छी वाली नौकरी है तुम्हारी, दिल्ली में नए आए हो, किन के चक्करों में फंस गए? ये दिल्ली ठग की नगरी है, यहाँ ठगने वाले लोग हैं, और क्यों तुम अपने पैसा बर्बाद करना चाहते हो? और उस टाइम पे 6615 रुपए की ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन का पैकेज हुआ करता था, हाथ आता था, सिर्फ पासवर्ड आता था और लॉग आईडी आती थी। तो 6615, 4000 की नौकरी करने वाले, 6615 डेढ़ महीने की तनख्वाह मेरी लगनी थी एक बिजनेस में, जहां पर मेरे को कंप्यूटर एजुकेशन मिलना था, जिससे मुझे कोई वास्ता नहीं था। उस समय की बात बता रहा हूं आपको, 2001। और ऐसे समय में शर्मा जी ने मुझे पिन मार के मुझे समझाने की कोशिश करी। और कहते हैं ना कि जब आप किसी की बात ना मानो, क्योंकि मेरा ड्रीम्स इतना भारी था, मेरा सपना इतना भारी था कि मुझे किसी और की बात सुनाई दे ही नहीं रही थी, मैं तो बिल्कुल बहरा हो चुका था उनकी बातों। तो वो बोलते जा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो दिख रहा था मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी, मैं उनको गाड़ी में घुमा रहा हूँ, मैं अपना घर खरीद लूंगा, मैं अपना अपना खुद का घर बनवा लूंगा, है ना, मेरा घर खुशहाल हो जाएगा, मुझे वो सब दिखने लगा। तो जब वो सब आपका हावी हो जाता है, तब आप बहरे हो जाते हैं, तब आप किसी और की बात सुनते नहीं। तो आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में शर्मा जी शराब दे दिया उन्होंने मुझे। मेरे को बोला कि अजय 6 महीने में देखता हूँ तू कहाँ तेरी कंपनी का। ये बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार मेरे मुंह से लोगों ने सुना होगा ये बात। और जानते हो कभी कभी नहीं, शराब जो है ना ये वरदान बन जाता है। ये जो शर्मा जी ने शराब दे दिया था मुझे कि 6 महीने में देखना है कि कहाँ, अगर वो शराब नहीं देते तो हो सकता था कि मैं इस बिजनेस को लाइट ले लूं, लेकिन उन्होंने शराब जो दे दिया था, इस शराब को मैंने अपने दिल से लगा लिया यहाँ पर। और मैंने बोला शर्मा जी अपनी बाप की औलाद नहीं, अगर मैंने अगर 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस करके नहीं दिखाया, अपने मन ही मन ये बात बोली, उनके सामने नहीं बोली, सीनियर थे वो। और उसके बाद मैं संघर्ष करने लगा, वहां पर नया था दिल्ली में, तो वहां जिंदगी को प्लान देखा, पीछे से जाके शर्मा जी अपनी चोंच लगा दे और बिजनेस खराब कर दे। एनीवे किसी तरह से मैं यहां से हरिद्वार निकला, हरिद्वार अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वहां से मेरा बिजनेस उठा, फिर कानपुर गया, कानपुर लालमणि सर के साथ गया, वहां हरिद्वार लालमणि सर के साथ में गया, फिर कानपुर गया, और ऐसे कर करके मैंने अपना बिजनेस उठा लिया। और बहुत शानदार बिजनेस, बड़े अच्छे लीडर्स मेरे को मिल गए, मेरे को सपोर्ट मिला अपने अप्लाइंस का, और उसके साथ मैंने इस बिजनेस को उठाया और मेरे चेक्स बनते गए। मैं किसी को बताया नहीं, उस जमाने में क्या होता है, चेक्स मिलते थे और हम लोग कलर्ड फोटो कॉपी करके अपने फाइलों में लगाया करते थे लोगों को दिखाने के लिए, लोग विश्वास नहीं करते थे कि आपको पैसा मिलता है नहीं मिलता, तो हम कलर्ड फोटो कॉपी लगा के रखते थे और अपनी फाइलों में लगाता रहा। अब एक वक्त आया जब शर्मा जी 6 महीने हो चुके थे, शर्मा जी को जवाब देने का वक्त आया, तो हम भी अपने मुंह बना के ऐसे बैठ गए जैसे हमें मालूम था कि शर्मा जी हमको हमारा लटका हुआ मुंह देख के बहुत खुश होंगे। इस जमाने में ऐसे भी लोग हैं जो आपको दुखी देख के बड़े खुश होते हैं, तो कभी कभी दुखी बन के उनके सामने हम पेश हो जाते हैं। तो शर्मा जी के सामने हम अपना मुंह लटका के ऐसे बैठे हुए थे और शर्मा जी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। हम इसे बोले क्या हो गया जय, भाग गई तुम्हारी कंपनी? हमने आइए शर्मा जी बैठी हमारे पास, और हमने अपनी फाइल खोली और दिखाया, हमने बोला ये देखो पहला चेक, ये देखो दूसरा चेक, ये देखो तीसरा चेक, हर हफ्ते का चेक दिखाते गए। और 6 महीने में हमने लिखा 3,45,000 के चेक लगे। शर्मा साहब कहां लगे हो? तो कभी कभी जिंदगी में जब हमको लोग ताने दे देते हैं, वो ताना आशीर्वाद बन के आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके तरक्की पे खुश नहीं होंगे, जो आपकी टांग खींचने के लिए खड़े होंगे, और वही लोग उन्हीं की बातें आपको शिखर तक पहुंचा सकती है। यही जो बातें जो लग जाती है ना, द बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, द बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस।
सबसे बड़ा बदला, अगर किसी से बदला लेना है आपको, मेरी बात को फिर से ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी से बदला लेना है, अगर आपको किसी को जवाब देना है, तो मुंह से जवाब मत दीजिए, अपने काम से जवाब दीजिए। इतने सफल हो जाइए, इतने सफल हो जाइए कि आपकी सफलता देख के वो अपने आप बीमार पड़ जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, लेकिन उनकी बातों को, उनकी कथनी को आपको गलत प्रूफ करना है। और यही बात मैंने हमेशा सिखाई है लोगों को, लोग ताने देंगे, ये लोगों का काम है करना और लोग करते रहेंगे। और इसी तरह से हम बढ़ते रहे, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता रहा, जितनी हमको चाहिए था उतना हमको पैसा मिलता रहा। 2007 में हमारी शादी हुई, और शादी के बाद में, तब तक हम किराए के मकान में ही थे, 2007 में शादी हुई, शादी के बाद धीरे धीरे जब इंदु का प्रवेश हुआ हमारी जिंदगी में, तब उसके बाद उनकी डिमांडें आने लगी। जब उनकी डिमांडें आने लगी तो हमें लगा नहीं पैसा तो और चाहिए, और हम पैसा कमाना भी जानते थे, लेकिन हम पैसा उतना ही कमाते थे जितना पैसा हमें चाहिए। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात को, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये मैं आज जो बता रहा हूं आपको, इस पॉइंट को खास करके नोट कीजिएगा। इस बिजनेस के अंदर मैक्सिमम लोग उतना ही पैसा कमाना चाहते हैं या उतना ही पैसा कमाते हैं, 90% लोगों की बात बोल रहा हूं, उतना ही पैसा कमाते हैं जितना उनका खर्चा होता है, जितना वो, जितना से उनका गुजारा हो जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे बिजनेस में लोगों की, भूख नहीं है, चाहते नहीं कि दुबई में चले जाए, चाहते नहीं कि एक बड़ी गाड़ी में आ जाए, वो बातों से तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा उतना नहीं कमाना, वो भूख नहीं दिखती मुझे, मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं दिखता उनके अंदर। और जैसे ही वो थोड़ा सा पैसा कमाना, थोड़ा सा पैसा क्या कमाते हैं, वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसे था, लेकिन 2007 के बाद जब इंदु मेरी जिंदगी में आई, उसके बाद उनने बोलना चालू किया कि अजय किराए के मकान में अब हमें अपना घर लेना होगा, और अब मेरी जरूरतें हैं। और ये बिजनेस भी मैंने इसीलिए किया था कि जिस लड़की को भी मैं शादी करके लेके आऊं, जिस चीज पे वो हाथ रखते वो चीज उसकी हो जाए, पैसे का टैग ना देखना पड़े। उसके बाद 2007 से फिर मैंने काम चालू किया, मेहनत करना चालू किया, काम को बड़ी तेजी से, सिल्वर कॉन्फ्रेंस बुलाई, तेजी से काम करना चालू किया। और उसके बाद देखिए, ऐसा होता नहीं है जिंदगी में जैसे आप चाहते हैं। 2008 में नैनीताल में मैं घोड़े से गिर गया, मेरा पैर टूट गया और 8 महीने में बैठ गया। कहते ना जिंदगी में जब कभी भी कोई चीज होता है ना, तो आप देखिए कि भगवान की मर्जी है वो, और भगवान कुछ ना कुछ आपका अच्छा ही करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे पैर टूटने की वजह से अच्छा क्या हुआ। देखिए, जब मेरा पैर टूटा तो मैं बेड पे आ गया, जब मैं बेड पे आ गया तो मेरे लीडर्स सारे मेरे पास में आए, मेरे से बोले अजय सर कैसे करेंगे काम। हमने बोला देखिए अब आपका गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया, अब आप लोग आगे बढ़ के काम कीजिए, और मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर आप काम कर सकते हो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ऑन स्क्रीन ये बात बोल रहा हूं, मेरे से बहुत अच्छे मेरी टीम वाले लीडर्स हैं, और आपको भी ढूंढना है आपके नीचे आपसे बेहतर टीम के लीडर्स। और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और बहुत शानदार तरीके से काम करना चालू किया। मैं बेड पे 8 महीने था, और 8 महीने के दौरान ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी भी हफ्ता नहीं हुआ जब 1.5-1.5 लाख का चेक मेरे घर पे नहीं आता। और उन दौरान जब बेड में लेटे लेटे मैं ये बात सोचता रहा कि अजय आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और परिवार में ऐसा हो सकता है। आज तुम्हारी तो टीम थी, तुम तो सेफ शॉप में हो, तुम्हारी टीम थी, तुम्हारे पास लीडर्स थे, तो आज तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार में कोई बंदा जो आज काम ना कर पाए को बेड पे आ जाए, तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके घर परिवार का क्या होगा, उनका बैंक बैलेंस जब खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत जमा पूंजी जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा। और यही प्रेरणा स्रोत बना मेरे को आगे बिजनेस को और तेजी से करने का। और उसके बाद मेरे डंके बजा बजा के एक ही बात बोला कि बिजनेस में पैसे कमाए या ना कमाए, बिजनेस में आपके पास मर्सिडीज ऑडी आए या ना आए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी जिंदगी में कभी वक्त ऐसा आ जाए तो हाथ ऐसा ना जाए, हाथ ऐसा ही हो, हाथ ऐसा कभी भी ना हो। और इसीलिए सिक्योरिटी के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए आप सिक्योरिटी के लिए काम करना चालू कीजिए, और धीरे धीरे आप लोगों को सिक्योर बनाते जाइए, आपके पास मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू और जैगवार अपने आप आते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ जैगवार के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का हर आदमी जैगवार ही चलाएगा, हिंदुस्तान का हर आदमी जैगवार चाहता है, नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। तो हम एक ही मोटो पे चले, और सेफ शॉप ने हमको एक ही मोटो पे चलाना सिखाया। उन्होंने बोला कि देखिए आप सुरक्षित तब होंगे जब आप लोगों के परिवार को सुरक्षित करेंगे। सेफ शॉप का नाम ये था, सिक्योर लाइफ, सेफ एंड सिक्योर, मतलब सेफ भी रहिए और सिक्योर भी रहिए, सुरक्षित रहिए। तो उन्होंने हमारे जहन में शुरू दिन से एक ही बात डाली, सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी। और हमने भी सिर्फ एक ही बात करी कि हिंदुस्तान में जब झंडे गाड़ेंगे सेफ शॉप के, तो उस झंडे के नीचे जो परिवार रह रहा होगा वो सिक्योर रह रहा होगा, वो सेफ रह रहा होगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग उस झंडे को निकाल देते हैं घर से बाहर, ऊपर से निकाल देते हैं। हमारे घर में जिस दिन झंडा गड़ गया 2001 में, उसके बाद वो झंडा लहराता ही रहा,
और इंशाल्लाह वो झंडा हमेशा लहराता ही रहेगा। हमारी मौत के बाद भी, हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में वो झंडा सेफ शॉप का लहराता रहे। और यही आह्वान करता हूं सब लोगों से, झंडा जो लग गया है वो सिक्योरिटी का झंडा है, वो सेफ शॉप का झंडा है, और उस झंडे को हमेशा अपने अपने छत के ऊपर लहराते रहने, अपने अपनी जिंदगी के ऊपर लहराते रहने दीजिए। क्योंकि जिन लोगों ने इस झंडे को लगाया है और जिन लोग ईमान से, निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ इस सेफ शॉप के साथ लगे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया है। और जो जो लोग, जो टीम उनके साथ लगी हुई है, वो भी अपने आप को, उनकी टीमें भी धीरे धीरे सुरक्षित होती जा रही। हमारा मोटो सेफ शॉप में क्या है, हमारा मोटो सेफ शॉप में, हमारा जो मोटो को मैं हिंदी में क्या बोलूं, मकसद, हमारा मकसद जो जो सेफ शॉप का है वो ये नहीं है कि हम करोड़पतियों की और अरबपतियों की लाइन लगा दे। नहीं, हमारा मकसद वो नहीं, वो तो आपकी आपकी मर्जी है कि आप करोड़पति बनिए या अरबपति। हमारा मकसद है हिंदुस्तान के हर घर में एक रोजगार मिले, हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर घर में कोई भूखा ना सोए, हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर घर में शिक्षा हो, उनकी उनकी फीस जाए, हमारा मकसद है कि इलाज ठीक से हो, हमारा मकसद है ठीक ठाक से वो रहे, ईमान से वो रहे, इतना पैसा उनके घर में हो कि किसी और के घर में उनको मांगना ना पड़े। हमारा मकसद है कि वो अगर काम ना कर पाए किसी टाइम पे, और तब भी उनके घर में वो पैसा आता रहे जो टीम से आता है, वो सिक्योर रहे। हमारा मकसद बहुत क्लियर है, हमारा मकसद है हमारे कंज्यूमर्स जो है, हमारे कस्टमर जो है, वो हमेशा खुश रहे अपने प्रोडक्ट के साथ। हम क्वालिटी पे काम करते हैं। तो इसीलिए आज जितने भी मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, इसी मकसद को आगे लेके जाइएगा। आज 2020 में हमने क्या क्या नहीं कर दिया, 2020 में देखिए, सबसे पहले जो आशीर्वाद हमें मिला वो श्री श्री रविशंकर महाराज गुरु जी का मिला, और उनके मुख से जो बात निकल गई, उनके मुख से बात निकल गई विजयी विजय। अरे आज तमाम कंपनियां हैं, मैं किसी भी कंपनी को गलत और सही नहीं बोलता हूँ, सब लोग अपनी कंपनी को इसलिए चलाते हैं कि उनके पास भी एक एजेंडा चलाने का, और वो अपना चलाते हैं, ईमानदारी से चलाते हैं या बेईमानी से चलाते हैं, वो मेरा लुकआउट नहीं है। और ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी कंपनी बेईमान है, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन सेफ शॉप में गुरु जी का आशीर्वाद मिला, सेफ शॉप को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद मिला, विजय ही विजय 2020 में उन्होंने बोल दिया। आशीर्वाद मिला हमें श्री कृष्ण भगवान का, श्रीमद भगवत गीता के रूप में पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, भगवान ने चुना हम लोगों को कि हमारे हाथों से गीता जी का वितरण हो। तो श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हमें मिला। इसके बाद अगर मैं 2020 की आगे बात करूं, तो लॉकडाउन में भी सेफ शॉप ने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स करी, रिकॉर्ड तोड़ सेल्स, लॉकडाउन में सेफ शॉप एसोसिएट्स ने रिकॉर्ड तोड़ पेआउट्स हुए। मैंने पेआउट्स देखा है लोगों को, मैं एक पेआउट देखता हूं, कोई दिखा देता है मुझे कि यार 10 लाख का चेक आ गया, 12 लाख का चेक आ गया, अरे लगातार दिखाइए ना हर हफ्ते का चेक, लगातार दिखाइए हर हफ्ते का चेक। और नहीं तो आप जाइए फेसबुक पे देखिए, सेफ शॉप में लगातार हमारे टाइगर्स, हमारे मेंटर, बड़े बड़े लीडर्स लगातार चेक पे बैठे हैं, 4-4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 20 लाख के लगातार चेक है। अब आप मुझे बताइए, एक लॉटरी लगती है 2 करोड़ की, वो काफी है, या एक लॉटरी लगे 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की लॉटरी हर महीने लगे, वो अच्छा है? आप मुझे समझा दीजिए, समझना आपको पड़ेगा। तो एक एक चेक देखते एक बंदे का वो हीरो बन जाता है। अरे एक बंदा हीरो बनने से हीरो नहीं होता है, जब कंपनी के मैक्सिमम लोग हीरो बनते हैं तब कंपनी हीरो मानती है, तब कंपनी हीरो की उसमें आती है। तो हमारे यहां पर वो हुआ, संपूर्ण हनुमान श्रीमद भागवत गीता का, और ऐसे रिकॉर्ड तो प्री बुकिंग हुई कि वो बुकिंग्स जितनी हुई है उतनी नॉर्मल कंपनियों के अंदर सेल्स नहीं होती है, जितनी हमारी प्री बुकिंग्स हो चुकी थी लॉकडाउन पीरियड में। प्रोडक्ट की डिलीवरी में देरी को आज की तिथि में रिकॉर्ड तोड़ समय में पहुंचाने का नया जज्बा, मतलब यहां पेमेंट जमा हुई और यहां से माल निकल गया, कौन सी कंपनी ऐसी? मैंने मैक्सिमम कंपनीज को देखा फ्रेंचाइजी और स्टोर देते हुए, मैक्सिमम कंपनीज फ्रेंचाइजी और स्टोर क्यों देती हैं? लागत, हमारी कंपनी ने लागत लगाया, हमारी कंपनी ने बोला एक्सपायरी वाला चक्कर ही नहीं है, कोई भी एसोसिएट ऐसा नहीं होगा जिसको एक्सपायरी की प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी एसोसिएट ऐसा नहीं होगा जिसको 5 लाख 10 लाख रुपए उनकी जेब से लगवा के उनको स्टोर खुलवाया जाए और फिर वो फंस जाए वहां पर, उनका माल ना बिके अगर, एक्सपायर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। हमारी कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, हम वेयर हाउस बनाते हैं, हम सारे खर्चे करते हैं, हम सब कुछ करेंगे और हम आपको
उतने ही फास्ट डिलीवरी देंगे जितनी फास्ट डिलीवरी लोग फ्रेंचाइजी से देते हैं। आप जो जानते बहुत अच्छे से कि एक आईडी से 30,000 से बढ़ा के 50,000 पे कर दिया कि एक आईडी से 50,000 से ज्यादा का सामान कोई नहीं खरीद सकता। कौन सी ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर जो ये बात बोलती है? लोग बोलते 10 लाख खेत बेच के सामान ले लो भाई। लोग बोलते हैं कि अपने पैसा जितना पैसा लगाओ, जितनी पूंजी लगी हुई है उस पूंजी से आप 5 लाख का 10 लाख का माल उठा के अपने पास रखिए। लोग धंधा कर रहे हैं और करेंगे। मैं गलत और सही नहीं बोलता वहां पर, मैं गलत और सही नहीं बोल रहा वहां। लेकिन हमारी कंपनी बोलती है कि 50,000 से ज्यादा का माल एक व्यक्ति एक आईडी से नहीं खरीद सकता। ये क्या बिजनेस है? नहीं, ये सिक्योरिटी है कि आप आराम से एथिक्स के साथ बिजनेस कीजिए। क्या गरीब क्या अमीर, सब बराबर है। आप कस्टमर तक पहुंचिए, कस्टमर को ऑनलाइन आने दीजिए। मगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे तो ऑनलाइन ही जाने दीजिए सब कुछ। ये बात को समझना पड़ेगा, ये बात को समझना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जो खोल रही है बोल रही है कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, स्टोर खोलवा लो, ये कर लो, अपने घर में रख लो। क्यों? आप कंपनी चला रहे हो, आप भेजिए ना। आप क्यों लोगों से पैसा मंगवा रहे हैं? आप क्यों फ्रेंचाइजी खुलवा रहे हैं? ये आपको देखना होगा। हो सकता है मेरा मत गलत हो सकता है कि आप मेरे से सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा ऐसा मत है, इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और सेफ शॉप 800-900 करोड़ की कंपनी है, और 800-900 करोड़ की कंपनी से आज 10,000 करोड़ की ओर जा रही है। 10,000 करोड़ की ओर अग्रसर हो रही है ये कंपनी। सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, और लीडर्स भी तैयार है, और जबरदस्त एक धमाका होने वाला है अभी तो कुछ दिनों में। सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। पूरी इंडस्ट्री इंतजार कर रही है, हिंदुस्तान की हर एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आंख लगाए टकटकी लगाए बैठी कि सेफ शॉप क्या करने वाला है। हर एक लीडर बैठा हुआ है कि अगला कदम क्या होगा। और मैं सारे लीडर्स का आह्वान करता हूं कि हमारे दरवाजे खुले सब लोगों से, और शानदार बिजनेस होगा यहां पर। कंपनी बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, वॉर फ्रंट पे है। यहां पर हर कुछ तैयारी हो चुकी है, और विजय विजय का जो आशीर्वाद गुरुजी ने दिया है वो आशीर्वाद अब पूरा होने का समय आ गया है। 2018 में मैंने बोला था कि करोड़पति बनने का वक्त आ गया है। अब हर कोई व्यक्ति कम से कम अपना घर, हमारी एक ही पुकार, सेफ शॉप की एक ही पुकार, सबकी गाड़ी सबका घर सबकी गाड़ी, क्या था वो? तो हमने बोला था कि एक गाड़ी और एक घर सबका होना चाहिए। कम से कम अपनी जिंदगी में मरते मरते एक रजिस्ट्री जरूर होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि समय का अभाव हो रहा है, बहुत सारी बातें और भी करनी थी, दिल से मैं बात करनी थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप सुरक्षित हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमें सुरक्षा चाहिए, उसके बाद हमें सब कुछ चाहिए। आज हम जो नकाब लगा रहे हैं ना, हम सिर्फ नकाब इसलिए लगा रहे हैं कि वायरस ना आ जाए, हम नकाब लगा रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, हम सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं कि कहीं कोरोना से हमारी मौत ना हो जाए। ऐसे ही नकाब आप भी लगा के रखिए नेगेटिव वालों से, ऐसे ही नकाब लगा के रखिए, कानों में भी लगा के रखिए और नाक में भी लगा, आंख खुला रखिए सिर्फ, और देखिए बाजार में क्या हो रहा है, देखिए सिर्फ सब कैसे चीते की और शेर की भांति आगे बढ़ रहा है। और आप लोग सब खुशकिस्मती हो, और हम सब लोग मिलकर इस जलजले का 2021 में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मैं कम से कम आज बताता हूं कि 500 से 1000 लोग ऐसे होंगे जो 4-4 लाख पे बैठे होंगे, 500 से, और वो तहलका मच रहा होगा। जितने लोग आप सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज 20-30-40 की टीम होगी आपकी, लेकिन 2021 तक आते आते ऐसा जबरदस्त चीजें आने रही है जिससे आप भी 4 लाख के कैपिंग पे आ सकते हैं। मैं डायमंड और डबल डायमंड और क्राउन मेजर बनने की बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, जिस भी लेवल पे रहो 4 लाख की कैपिंग पे, और बहुत बहुत शानदार होने वाला है। धमाका चल रहा है, लैपटॉप का बाहर लगी हुई है, पहले हफ्ते में 800 से ज्यादा लैपटॉप बटे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज के पास में 800 लैपटॉप नहीं होते। बड़ी से बड़ी कंपनी में जो अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप बांटते ना, वो भी 800 नहीं होते। और हमारी कंपनी ने 800 लैपटॉप गिफ्ट में बांट दिया पहले हफ्ते। बात करने वाले तो बहुत बातें करेंगे, देखते तो जाओ, अभी तो खजाना खुला है, अभी बहुत कुछ बना है। इसी के साथ सब लोगों से मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाले दिन बहुत बहुत अच्छे हैं, ईश्वर की भरपूर कृपा है हम पे, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हनुमान जी का हम पे आशीर्वाद है, हमारे डायरेक्टर्स का आशीर्वाद है, हमारे साथ बहुत सारे तमाम हिंदुस्तान के लोग, उनके फैमिलीज, बुजुर्ग, बच्चे, उन सब का प्यार, स्नेह, सम्मान, वो सब कुछ हमको मिल रहा है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।
आगे बढ़ते रहेंगे और नए पे नए इतिहास और कीर्तिमान बनाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय शिव शाह।